नगर पालिका टीकमगढ़ में 22 साल बाद कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की। यहां बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को हराकर अब्दुल गफ्फार उर्फ पप्पू मलिक ने रोचक जीत हासिल की। अब्दुल गफ्फार 17 वोट पाकर नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं। नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष का यह सफर बहुत मुश्किल रहा। वो पहले मजदूरी करके अपना घर चलाते थे, लेकिन आज वो बड़े कारोबारी हैं। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में पत्थर उठाने का काम भी किया। इस दौरान उन्होंने ट्रक भी चलाया, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर आज वो इस मुकाम पर हैं। अब्दुल गफ्फार का कहना है कि अब वो नगर पालिका को चमका देंगे। आदमी जैसे शहर में जनता को ज्यादा ऊपर वाले ने हमको सब कुछ दिया, जो सोचा नहीं था वो भी दिया है। हमको कुछ नहीं चाहिए, जनता से प्रेम चाहिए। आपकी बातचीत जनता के निराकरण में आप कितना वो रखते हैं? राष्ट्र के मुद्दे ऐसे हैं कि टीकमगढ़ की जनता ने जो सोचा नहीं होगा वो मैं करके दिखाऊंगा। आप लोगों की पूरी जनता के सहयोग से, हमें जनता का सहयोग भी चाहिए है, उसको हम इतने जल्दी से जल्दी स्वच्छ ऐसा सुंदर बनाएंगे शहर को कि लोग बाग टीकमगढ़ को याद करेंगे। सबसे पहले हम स्वच्छता, साफ सफाई, पानी, रोड, नाली, ये सबको सबसे पहले ध्यान देंगे। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।